नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। हमारी आज की चर्चा का विषय है गोचर में मंगल का नीच में जाना और उसका फिर भंग होना। चार ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर यह नीच भंग बन रहा है, बाकी आठ पर नहीं। तो आज सिर्फ उन पर चर्चा होगी जिन पर यह नीच भंग बन रहा है। उनका नाम है मिथुन, कन्या, धनु और मीन। तो इनकी विस्तृत चर्चा अभी कर लेते हैं, पर मैं एक बात और पहले कहना चाहता हूं जो आपको समझनी चाहिए कि गोचर में बनने वाले किसी भी योग जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं वो 100% लागू नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम चर्चा करते हैं तो वो उस वक्त के ग्रह के हिसाब से एक या दो ग्रह की गणना होती है। आपकी जन्म कुंडली में उस ग्रह का प्लेसमेंट कैसा है इस पर डिपेंड करता है कि आपको उसका कैसा असर मिलेगा। तो जैसे 12th के बोर्ड के पेपर होते हैं तो सबके होते हैं, पूरी दिल्ली के, लेकिन जो स्टूडेंट वो एग्जाम दे ही नहीं रहे या जो कॉलेज में पढ़ते हैं या जो सिर्फ छोटे स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। लेकिन किसी का भाई दे रहा है, किसी के छोटा भाई दे रहा है, किसी का बेटा दे रहा है, तो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सबको थोड़ा थोड़ा असर होता है। लेकिन जिनकी कुंडली में वो उम्र है जिसमें उनके बोर्ड के पेपर है, सबसे अधिक उनको प्रभाव होता है। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि ये एक डायरेक्शन तक तो ठीक है पर इसे फाइनल आंसर नहीं माने। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं मिथुन लग्न से। मिथुन लग्न के वालों के लिए जो मंगल की स्थिति है वो 11th हाउस का कंट्रोलर है और 6th हाउस का कंट्रोलर है, और उसका प्लेसमेंट है सेकंड घर में। सेकंड घर बहुत सी चीजों को देखता है, पर मुख्य तौर पर जो मुझे पसंद है वो है पत्नी की उम्र, पत्नी का स्वास्थ्य, पत्नी का स्वभाव। तो मंगल के खराब होने से क्या हुआ कि हमारी आमदनी खराब हुई और हमारे शत्रु कमजोर हुए, और नीचभंग होने से क्या हुआ कि आमदनी तो बढ़ गई, शत्रु मजबूत हो गए, हमें विवादों में घिरा रहना पड़ेगा। शत्रु विजय है, शत्रु होंगे, उन्हें हराएंगे, तभी तो शत्रु विजय हुआ। तो मिथुन वालों के लिए इस नीच भंग का थोड़ा लाभ और थोड़ा नुकसान दोनों ही देखने में आएंगे। मैं एग्जाम्पल इसका दे सकता हूं। कांग्रेस के एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं अर्जुन सिंह जी, अब उनका स्वर्गवास हो गया है, उनकी कुंडली बिल्कुल यही है, यही मिथुन लगन, यहीं पर मंगल का प्लेसमेंट और यहीं पर शनि का प्लेसमेंट। मुख्यमंत्री थे तो ये उनका रुतबा हो गया और पहुंच हो गई, और हमेशा विवादों में घिरे रहे, किसी ना किसी कारण कोई ना कोई उन पर दोष लगते रहे, ये हुआ मंगल के नीच भंग का उन्हें कुछ नुकसान। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे एक और बात करते हैं, अगली कुंडली वो है कन्या। कन्या के लिए 8वें घर का कंट्रोलर है, 3रे घर का कंट्रोलर है, दोनों ही घर बुरे हैं। उसका यहां वीक होने पर क्या नुकसान हो रहा है कि उम्र घट रही थी, सामर्थ्य घट रही थी, प्रयास घट रहे थे, छोटे भाई बहनों से तालमेल घट रहा था। अब मंगल नीच भंग हो गया तो क्या हुआ, छोटे भाई बहनों से तालमेल बढ़ा, आपको अपने एफर्ट्स के अच्छे रिजल्ट मिलने का योग बना, उम्र का अच्छा योग बना, धन संग्रह का योग हुआ। तो गोचर में बहुत अधिक लाभदायक हुआ कन्या वालों के लिए। तो इन चारों कुंडलियों में जिनमें चार लग्नों में चर्चा हो रही है, उन चारों में सबसे बेस्ट फायदा इस मंगल के नीच भंग का कन्या लग्न को ही हो रहा है। अगला धनु। धनु में मंगल 8वें घर में प्लेस्ड है, 12वें घर के कंट्रोलर हैं और 5वें घर के, 12वां घर खर्चे देगा, 5वां घर संतान। अब संतान के घर का स्वामी नीच में जाएगा तो संतान को कष्ट, और खर्चे अगर कष्ट में आएंगे तो लाभ, लेकिन नीचभंग हो रहा है, संतान को लाभ बढ़ गया। इस नीचभंग से संतान को, विद्या को, या जो महिलाएं इस वक्त गर्भवती हैं उनको, इन सबको लाभ होगा। लेकिन खर्चे जो घट रहे थे वो अब इम्प्रूव हो गए, खर्चे बढ़ जाएंगे। तो हमें थोड़ा फायदा और थोड़ा नुकसान दोनों देखने में आएगा। तो धनु लग्न के लिए संतान, विद्या के संबंध में लाभ, खर्चों के संबंध में कुछ नुकसान हुआ। अब आते हैं आखिरी कुंडली मीन। मीन लग्न में स्थिति क्या है कि मंगल 5वें घर में बैठे हैं, सेकंड और भाग्य के स्वामी हैं, यानी पिता को थोड़ा कष्ट होगा,
पैतृक संपदा को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, और पढ़ाई की इस दौरान इसी टाइम सेगमेंट में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या जो वो एग्जाम्स दे रहे हैं या वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं उन्हें थोड़ी दिक्कतें देखने में आएंगी। लेकिन मंगल का नीच भंग होने से क्या हुआ कि उनको पिता से संबंध में सुख बढ़ा, विद्या के संबंध में सुख बढ़ा, ये सारे मुद्दों पर लाभ हुआ। लेकिन क्योंकि मंगल सेकंड घर का कंट्रोलर भी है जिसे हम मार्केश भी कहते हैं, तो मार्केश भी इंप्रूव हुआ, तो ये भी फायदा है, बहुत फायदा है, पर उतना नहीं जितना कन्या को फायदा है। तो हमने चारों लग्नों पर अभी चर्चा की कि मंगल के नीच भंग का चारों को क्या क्या लाभ हुआ, लेकिन सबसे अधिक लाभ किसको हुआ, कन्या लग्न को, इसकी विवेचना भी हो गई। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।